बागली तहसील के मातमोर गांव में शमशान नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव से 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे अंतिम संस्कार करने को लोग मजबूर होते नजर आ रहे हैं। रविवार के दिन अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ले जा रहा ट्रैक्टर नदी में पलटी खा गया। ट्रैक्टर में बैठे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टला है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी जमीन पर शमशान सेट निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, परंतु पास के जमीन मालिक द्वारा आपत्ति लेने के कारण काम रुका हुआ है। मुक्तिधाम निर्माण के दौरान शिकायतों के दौर में निर्माण कार्य अटका हुआ था। ग्राम मातमोर के ग्रामीण जन लंबे समय से पक्का मुक्तिधाम न होने के कारण इधर उधर अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि इस समस्या से संबंधित अधिकारी भी अवगत है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। देखिए, शमशान की समस्या तो हमारे यहाँ बरसों से है, जब से देश आजाद हुआ जब से हमारे यहाँ कोई शमशान है नहीं। लेकिन जैसे ही अभी नई बाड़ी बनी तो हमने ग्राम सभा की बैठक करके जगह का चयन करके शासन से उसकी मंजूरी भी ले ली है, पर जो पड़ोस का जो भूमाफिया है एक जमीन वाला, जिसे हम जानते भी नहीं शायद बाहर का है, उसकी झूठी शिकायतों के चलते हमारे उस काम पर अभी रोक लगी हुई है। तो हमने इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया है, तहसीलदार साहब को भी अवगत करा दिया है, और मुझे आशा है कि वो लोग जल्दी हमारे को इस शमशान घाट की जो समस्या है उससे राहत दिलाने का काम वो करेंगे। अगर समस्याओं का समय पर हल नहीं हुआ तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अभी हमने हमारे स्तर से अवगत कराया, अगर आगे भी चलकर हमें ऐसी समस्याओं का अगर सामना करना पड़ा तो हम माननीय कलेक्टर साहब से भी इस विषय में मिलेंगे। आज भी कुछ हादसा होते होते बचा है? हाँ, जैसे ही वो तो हादसा तो क्या है कि हम कालीसिन नदी में ले गए थे, करीबन गांव से 4 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे पैदल निकलने तक का भी रास्ता नहीं है। जैसे ही लकड़ी से भरा हुआ ट्रैक्टर जलाने की लकड़ी रहती है, उसका ट्रैक्टर जो जैसे हम जलाने के लिए ले गए तो ट्रैक्टर असंतुलित होकर नदी में गिर गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।